हाउ टू मेक वाटर टैंक प्लेटफॉर्म, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो रहे थे, काफ़ी लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि हम वो जो वाटर टैंक है तो उसके लिए जो फड़, आप कभी क्या बोलते हो, फड़ भी बोल सकते हो या फिर प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म बोला जाता है, कि प्लेटफॉर्म हम कैसे बनाएं, किस तरह का बनाएं ताकि जिससे कि वाटर टैंक, और क्या लोकेशन क्या रखें हम इसमें। जब भी आप टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए, जैसे अपने घर फर्स्ट सिंगल स्टोरी बनाया, अपने डबल स्टोरी क्या बोलते हैं कि एक घर मंजिला घर बनाया, अपने दो मंजिला घर बनाया, तीन मंजिला घर बनाया, तो उस बेस पे आपको चाहिए होता है कि फ्लो आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आपका जो वाटर टैंक रहेगा, जैसे कि आपने वाटर टैंक बनाया, आप सीमेंट, जैसे कि आपने RCC बनाइए या फिर आप PVC ले लीजिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो आप फिटिंग्स करते हो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो वाटर टैंक के अंदर जो फिटिंग्स करते हो उसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी इसमें आप पानी सप्लाई करते हो, तो इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिंपल वाटर टैंक रख देते हो और आउटलेट कर देते हो, जिसमें आप पानी बाथरूम और टॉयलेट के लिए आप लेते हो, बट वहाँ पे एक मिस्टेक्स कर देते हो कि इसमें एयर के लिए एक पाइप ज़रूर छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो टैंक भरते हो तो काफ़ी क्या हो जाता है, पानी में जो आपकी नल होती है उसमें पानी नहीं आता है, तो यही रीज़न होता है कि जो इसमें एयर है प्रॉपरली से नहीं मिलती है, तो इसमें जब भी आप वाटर टैंक भरेंगे तब भी ऊपर पानी कम बहुत ही स्लो आएगा, तो उस कंडीशन में आप ज़रूर हमेशा ध्यान रखना है कि ये एयर पाइप ज़रूर बनाना है आपको। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म आपने जब स्लैब आप कोई बनाते हो, आपने कोई स्लैब बनाई, तो स्लैब बनाने के बाद आपने टॉयलेट जब भी आप बनाते हो, सर्विस साफ बनाए या फिर आप अंडर वाल लिए, जैसे कि वाटर लेते हो आप, वाटर के अंदर साथ साथ में पाइप लेते हो ताकि हिडन हो जाए, और ऊपर से आप प्लास्टर कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पानी होता है टैंक ऐसी जगह पे रखना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी स्लो कम मिल जाए, तो ये वाला जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे अपने बाथरूम बनाया, इधर अपने बाथरूम बनाया या फिर पीछे बनाया, तो कंडीशंस ये रहनी चाहिए कि आपको ये वाल है और इधर वाल है, तो इसका जस्ट कॉर्नर होना चाहिए, आपका कॉर्नर होना चाहिए। अगर आप काफ़ी कलर बीच में कर देंगे तो लोड ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आपकी जो पैरापेट वाल होती है, जो आपने पैरापेट बनाई, इधर से आपने पैरापेट वाल बनाया और बाथरूम आपके ज़्यादातर इधर है, मोस्टली इधर है, किचन इधर है, तो आपको इस कॉर्नर पे आपको बनाना है ताकि ये पाइप का जो बैंड होते हैं ना, जो बैंड, ये बैंड होते हैं, जितने कम बैंड होंगे उतने ज़्यादा आपका फ्लो कम हो, मतलब जो फ्लो डिस्चार्ज होता है आपका वाटर है मच को आप बोलते हैं, जस्ट जितना पानी इसका आएगा तो उसमें स्पीड जो होती है वाटर का, जो फोर्स होता है वो कम होगा इसमें, तो इस बेस पे आपको क्या करना है कि इस जगह पे वाटर पैरापिट के कॉर्नर बनाइए, इससे कि जो लोड है आपका, इसका जो वाटर का लोड है इस वाल पे आपका आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। कोशिश करना है कि आपको इधर नहीं बनाना है, ये आपका गलत मेथड है, तो इस कॉर्नर पे बनाइए। उसके बाद आपका थर्ड कंडीशन आ जाती है आपके पास में कि प्लेटफॉर्म हम किस तरह से बनाए। आपने वाल बनाई तो वाल के ऊपर आपको अगर एक टैंक है तो आप राउंड शेप में ही एक वाटर टैंक बना दीजिए। सपोज कीजिए आपका इसका 27 इंच है, 27 इंच आपका कोई वाटर टैंक, 3 फीट या फिर आपका 36 इंच, सपोज कीजिए आपका कोई 3 फीट टैंक है, ठीक है, 3 फीट या फिर 2.5 फीट जितना मेरे को वाटर टैंक का जो साइज रहेगा, तो आप उसमें क्या करना है कि 36 इंच प्लस 4 इंच, तो आपको क्या करना है कि 2 इंच ऑलमोस्ट क्या करना है एक्स्ट्रा ही ले लीजिए, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो इसकी जो शेप बनेगी तो इस तरह से आप बना दीजिए। इसमें आसानी से ये रहेगा कि जब भी आप वाटर टैंक इसके ऊपर रखोगे, वाटर टैंक रखने पे ये आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है, तो स्लैब, जब स्लैब आपकी कास्टिंग हो जाएगी, स्लैब कास्टिंग के बाद आपको ये करना है, उसके बाद ही आपको वाटर प्रूफिंग जो भी आपका रहता है उसके बाद आप ये कीजिए, ठीक है, तो आपको उस बेस पे आपको ये करना है। इससे कंडीशंस में ही क्या होगा, जब भी आप यहाँ पर कोई पेंट करवाएंगे, वाटर प्रूफिंग करवाएंगे, तो इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की वाटर प्रूफिंग आपको हो जाएगी, या आपकी स्लैब रहेगी तो स्लैब के बाद आपने ये क्या करना है, ब्रिक वर्क से करना है, जैसे कि आपने चुनाई जो बोलते हैं ब्रिक वर्क, तो इसकी हाइट इतनी रखनी है कि आपको जैसे कि मिट्टी यहाँ पर डालनी है, मिट्टी डालने के बाद आपको जो टाइल्स करते हो, आप टाइल लगाते हो, तो टाइल लगाने के बाद जब भी आप मिट्टी आपने डाली स्लैब के ऊपर, तो स्लैब के ऊपर मिट्टी डालते हो, मिट्टी के ऊपर आपने फिर टाइल्स लगाते हो, इतना मार्जिन आपको ले लेना है कि ये आपकी सब हाइट हो जाती है मिनिमम, कम सपोज कीजिए 4 इंची हाइट हो गई, तो 4 इंची के बाद आपको ये वाली हाइट मिनिमम 4 इंची से ज़्यादा ही रखनी है, 4 इंची आप ऑलमोस्ट रख सकते हो, क्योंकि इसका जो पानी है, तो पानी का जो फ्लो है, अपने पानी का फ्लो हुआ और यहाँ पे आपने जो टैंक रखा हुआ था, यहाँ पे एक आपका वो
वाटर जो रेन वाटर है, रेन वाटर पाइप होना चाहिए जिससे कि आपका रेन वाटर पाइप होगा आसानी से पानी जो आपका फ्लो ओवरफ्लो करेगा तो ओवरफ्लो से ही आपका जो पानी है इसमें ड्रेनेज में चला जाए। यहाँ पे अपने जैसे कि कॉर्नर ऑलमोस्ट सनसेट में जो होता है तो सनसेट में ऑलमोस्ट कॉर्नर पर दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो वाटर टैंक रहेगा इसका जो ओवरफ्लो होएगा अगर ये टंकी भर जाती है तो आसानी से यहाँ पे इसमें निकल जाएगा पास में, ना कि आपके ये स्लैब के ऊपर फ्लो करेगा। तो कंडीशन आपको तीन तरीके से आप बना सकते हो। स्लैब के ऊपर आपको ब्रिक वर्क करना है, ब्रिक वर्क कर सकते हो, ये आपकी रहेगी 8 इंची से आप 12 इंची रख सकते हो, ये हाइट आपकी स्लैब के ऊपर से वो होनी चाहिए। दूसरा आपका ये होता है कि ये आपने ब्रिक वर्क किया, इस तरह से आपने ब्रिक वर्क करना है आपको, मतलब कि आपको ये आपका कॉर्नर रहेगा, आपको ये टैंक बनाना है तो इस कॉर्नर में आपको क्या करना है, ये आपको ब्रिक वर्क करना है। तो हाइट मिनिमम आपको 12 इंची रख सकते हो, ज़्यादा हाइट मत लीजिए, ये हाइट ब्रिक वर्क करना, एक ब्रिक वर्क करना क्या है यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का ये चार कॉर्नर प्लस ये वाला कॉर्नर, तो इसमें आसानी से कोई आपको स्लैब बना सकते हो। RCC स्लैब बना दीजिए या फिर कोई आप जो भी आपका पॉसिबल हो वो आप इसे यहाँ पे बना सकते हो। तो ये बनाया जाता है इसका प्लेटफॉर्म, इसको आप बोलते हो प्लेटफॉर्म। तो ये भी आपका ब्रिक वर्क प्लेटफॉर्म हो गया है। दूसरा आपका ये जिसको स्लैब से हाइट पर रखा जाता है, स्लैब से हाइट पर रखा जाता है प्लेटफॉर्म। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।